आज नहीं रही देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। जी हाँ, आज सुबह उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये वो प्रभु कुंज मकान है जहाँ पर लता मंगेशकर रहती थी। और मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जो लोग उनके यहाँ पे, आप देखिए कि जो महिलाएं हैं जो हैं किस तरह से उनकी आंखें नम है, वो रोती नज़र आ रही हैं। जब आज ये सूचना मिली, ये खबर आई, तो पूरा देश जो है शोक में डूब चुका है। मैं तस्वीरें प्रभु कुंज के पास की दिखाऊं जहां पर लता मंगेशकर रहती थी, कि किस तरह से यहां पर पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। कैमरामैन जावेद से दिखाना चाहूंगा, आप तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर किस तरह से जो है भारी तादाद में मुंबई पुलिस के बल तैनात किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है, लोग जो है अपनी स्वर सम्राज्ञी को जो है याद करके जो है भावुक हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज पे लाया जाएगा। ये जो पेडर रोड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है बंदोबस्त किया जा रहा है। भारी तादाद में मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है चलाया जा सके। क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुँचेगी तो उम्मीद है कि भारी तादाद में उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि घर की तस्वीरें मैं दिखाऊं कि वो जो महिलाएं हैं वहाँ पर उनके घर पर किस तरह से उनकी आंखें नम हैं और किस तरह से वो रो रही हैं। आज देश का हर बच्चा बच्चा जो है वो भावुक है स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के लिए। 92 साल की उम्र में जो है उनका निधन हुआ है। कई दिनों से जो है वो अस्पताल में भर्ती थी और बीच बीच में खबरें आती थी कि उनकी तबीयत जो है ठीक हो रही है, लेकिन कल से उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो है सबको डर था कि कहीं कोई ऐसी खबर ना जाए जो पूरे देश को शोक में बदल दे, और वही बदल दे और वही बदल दे और वही